देखिए, कक्षा 8 का गणित का सवाल दिया है प्रश्नावली 2.2 में। प्रश्न संख्या 10 में बोल रहा, रवि के पिता का वर्तमान उम्र रवि के वर्तमान उम्र के 3 गुने से 5 वर्ष अधिक है। फिर यहाँ पे बोल रहा, 5 वर्ष बाद उनके उम्रों का योग 47 वर्ष होगा। दोनों का वर्तमान उम्र ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलिए इसको बनाते हैं। तो देखिए, यहाँ पे रवि के उम्र जो दिया है, यहाँ पे रवि का उम्र नहीं दिया है। ठीक है, इसलिए क्या करेंगे, इसको मान लेते हैं। माना रवि का उम्र 1 वर्ष है। ठीक है, इसको मान लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे रवि क्या और रवि के पिता का उम्र नहीं दिया है। ठीक है ना, इसलिए रवि के पिता का उम्र रवि के पिता का उम्र तो यहाँ पे जब रवि का उम्र है 1 वर्ष, तो रवि के वर्तमान उम्र के 3 गुने से 5 वर्ष अधिक है रवि के पिता का। रवि के पिता का क्या हो जा रहा है, जब रवि का 1 वर्ष है तो इसका हो जाएगा कितना, दुगने से, इसके पिता का उम्र हो जाएगा दुगने से 5 वर्ष अधिक, 3 गुने से 5 वर्ष अधिक हो जाएगा। तो इसका लिखेंगे 3x प्लस 5 वर्ष, रवि के पिता का उम्र हो जाएगा 3x प्लस 5 वर्ष। ठीक है, अब यहाँ पे बोल रहा है 5 वर्ष बाद उनके उम्रों का योग 47 वर्ष होगा। तो यहाँ पे अब लिखेंगे 5 वर्ष बाद रवि का उम्र, 5 वर्ष बाद रवि का उम्र कितना हो जाएगा, x प्लस 5, ये रवि का उम्र हो जाएगा 5 वर्ष बाद। ठीक है, ये हो गया वर्ष। तो रवि के पिता का उम्र क्या हो जाएगा, रवि के पिता का उम्र, रवि के पिता का उम्र कितना हो जाएगा, जब रवि का उम्र 5 वर्ष बाद 1 प्लस 5 वर्ष हो जाएगा, तो रवि के पिता का कितना हो जाएगा, इसका लिखेंगे 3x प्लस 5, कोष्ठक में डाल के फिर लिखेंगे प्लस 5 वर्ष, ये रवि के पिता का उम्र हो जाएगा 5 वर्ष बाद। ठीक है, यानी कि इसका हो जाएगा कितना, 3x का 3x, 5 और 5 कितना हो जाएगा, 10, तो प्लस का 10 वर्ष, 5 वर्ष बाद रवि के पिता का उम्र इतना हो जाएगा, 3x प्लस 10 वर्ष। ठीक है, अब आइए इसको बनाते हैं। प्रश्न से तो इसका आप लिख लेंगे, तो x प्लस 5 सबसे पहले लिख लेंगे, x प्लस 5। ठीक है, उसके बाद लिखेंगे प्लस 3x, 3x प्लस 10,
3x प्लस 10 है ना, बराबर में यहाँ पे डाल देंगे 47, क्योंकि ये बोल रहा है, क्या बोल रहा है, उनके उम्रों का योग 47 वर्ष होगा यहाँ पे बोल रहा है, तो उम्रों का योग 47 वर्ष यहाँ पे लिख लेंगे 47। अब इसको हम बना लेंगे, तो x प्लस 5 ये हो गया 3x, इसको जब हम जोड़ेंगे x और 3x को तो ये हो जाएगा कितना, 4x हो जाएगा, ठीक है। फिर प्लस का चिन्ह यहाँ पे लिखेंगे, उसके बाद 5 और 10 यानी कि 10, 5 और 10 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 15, ठीक है। फिर बराबर का चिन्ह देके ये 47 को लिख लेंगे, ये हो गया, ठीक है। अब देखिए फिर लिखेंगे 4x, ठीक है, फिर बराबर का चिन्ह ये 47 को लिख लेंगे, ये प्लस का 15 है इधर जब आएगा 47 की तरफ तो ये माइनस का हो जाएगा, तो ये हो गया -15 है ना। फिर लिखेंगे 4x बराबर, तो 47 में से 15 को हम घटाएंगे तो कितना आएगा, 7 में से 5 गया 2, 4 में से 1 गया 3, 32, ठीक है। फिर यहाँ पे अब क्या करेंगे, x लिखेंगे, अब x का मान ज्ञात करना है, तो 4x जो है ये क्या है, गुना में है, इधर आएगा तो हो जाएगा भाग में, तो x बराबर 32 को लिखेंगे बटे में 4 कर देंगे, तो 4 से 32 में भाग दे देंगे तो 4 8 32 है ना, आया 8। तो यहाँ पे लिखेंगे इसलिए रवि का वर्तमान, रवि का वर्तमान आयु, आयु या उम्र एक ही बात है, ठीक है, बराबर, तो एक्स बराबर कितना आया था, 8, तो ये 8 वर्ष हो गया, रवि का वर्तमान आयु कितना हो गया, 8 वर्ष। अब इसके पिता का लिखेंगे, तो लिखेंगे रवि के पिता का वर्तमान आयु, वर्तमान आयु यानी उम्र, ठीक है, बराबर, तो ये तिगुना हो जा रहा है, तिगुना से 5 वर्ष ज्यादा हो रहा है रवि के पिता का उम्र, तो इसको हम लिखेंगे 3x प्लस 5 है ना, वर्ष, वर्ष यानी के 3 का 3 लिख लेंगे, गुना का चिन्ह, x का मान कितना है 8, तो 8 लिख लेंगे, फिर प्लस का चिन्ह, फिर 5 दिया है तो 5 लिख लेंगे, यानी कि ये हो गया 3 8 24, और 24 को 5 में जोड़ देंगे तो हो जाएगा 29। ये हो गया रवि के पिता का वर्तमान आयु 29 वर्ष, ठीक है। रवि का आयु कितना हो गया, रवि का वर्तमान आयु कितना हो गया, 8 वर्ष। तो क्वेश्चन में यही पूछा गया था कि दोनों का वर्तमान उम्र ज्ञात कीजिए, तो दोनों का वर्तमान आयु इतना इतना हो गया, रवि के वर्तमान आयु हो गया 8 वर्ष और इसके पिता का उम्र हो गया 29 वर्ष वर्तमान उम्र,